Hello friends, welcome to my channel Make Law Easy. Friends, today we are going to discuss the differences between Stridhan and Woman Estate. तो इस टॉपिक को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं. तो चलिए चलते हैं इन दोनों के डिफरेंसेस के बीच में. तो स्त्रीधन और वुमेन स्टेट के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, फर्स्ट डिफरेंस क्या कहेंगे हम कि जो वुमेन पोजेसेस एब्सोल्यूट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टीज, इसका मतलब है जो स्त्रीधन होता है उस पर वुमेन जो है उसका एब्सोल्यूट ओनरशिप होती है, जबकि जो वुमेन एस्टेट होता है उस पर उसकी लिमिटेड ओनरशिप होती है. इसको एक बार रीड आउट कर देते हैं कि वुमेन्स पोजेसेस लिमिटेड ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट डिफरेंस है कि एब्सोल्यूट राइट ऑफ वॉलंटरी एलिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी. स्त्रीजन जो होता है उस पर वुमेन का एब्सोल्यूट राइट होता है कि वो उसको वॉलंटरली एलिनेट कर सके, मतलब अपनी प्रॉपर्टी को एलिनेट करने का उसका वॉलंटरली राइट होता है. जबकि जो आपका वुमेन एस्टेट जो होता है, जिस वुमेन के पास में वुमेन एस्टेट होता है उसकी, क्योंकि उसकी उसके ऊपर उसकी लिमिटेड ओनरशिप होती है, तो उसको जो एलिनेशन का जो राइट होता है, इस तरह की जो प्रॉपर्टी है उसको एलिनेशन का जो राइट होता है वो भी लिमिटेड राइट होता है. नेक्स्ट एंड द लास्ट डिफरेंसेस, आफ्टर द डेथ ऑफ द लास्ट ओनर प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड बाय द डिसेंडेंट्स ऑफ द वुमेन हरसेल्फ. जब आपका वुमेन जो है, ठीक है ना, या स्त्रीधन की जो ओनर है, ठीक है ना, उसकी जब डेथ हो जाती है तो जो उसका स्त्रीधन है वो उसके जो खुद के जो लीगल हायर्स होंगे, ठीक है ना, लीगल हायर्स जो होंगे वुमेन के, उन पे डिवॉल्व हो जाएगा. मतलब ये जो स्त्रीधन है उसके खुद के जो लीगल हायर्स होंगे, उसके जो लीगल डिसेंडेंट्स होंगे ना, उन पे वो डिवॉल्व होएगा, वो प्रॉपर्टी उनके पास ट्रांसफ़र हो जाएगी. जबकि वुमेन स्टेट की जब हम बात करें तो जब वुमेन जो है उसकी डेथ हो जाती है तो जो वो वुमेन स्टेट जो होता है इस प्रॉपर्टी को कौन इनहेरिट करेगा, जो लास्ट मेल ओनर था ना, उसके जो लीगल डिसेंडेंट्स होंगे वो प्रॉपर्टी उनके पास ट्रांसफ़र हो जाएगी. तो ये जो डिफरेंसेस थे स्त्रीधन और वुमेन स्टेट के बीच में, इनको हम शॉर्ट में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो स्त्रीधन होता है उसमें जो वुमेन होती है उसकी एब्सोल्यूट ओनरशिप होती है, जबकि जो वुमेन स्टेट होता है उसमें उसकी लिमिटेड ओनरशिप होती है. दूसरा जो डिफरेंस होता है कि जो स्त्रीधन होता है उसको उस पर जो वुमेन है उसका जो पावर ऑफ एलिनेशन जो होती है वो एब्सोल्यूट पावर होती है, जबकि जो वुमेन स्टेट जो होता है उसमें पावर ऑफ एलिनेशन जो होती है वो लिमिटेड होती है वुमेन की. तीसरा, स्त्री धन जो है, जब किसी वुमेन की डेथ हो जाती है तो जो उसका स्त्री धन है वो किसके पास चला जाएगा, उसके खुद के जो लीगल डिसेंडेंट्स होंगे उनके पास जाएगा. जबकि जो वुमेन स्टेट है, जब किसी वुमेन की डेथ हो जाती है तो उसकी वुमेन की जब डेथ हो जाती है तो उसके जो प्रॉपर्टी है वो उसके जो लास्ट मेल डिसेंडेंट था या जो लास्ट मेल ओनर रहा होगा उसके लीगल हायर्स में ट्रांसफ़र हो जाएगी. सो ये जो डिफरेंसेस थे, ये वाला टॉपिक भी हमारा फिनिश हो गया. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. और प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है और आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू वेरी मच.